नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की। महाराष्ट्र के पालगढ़ में किसानों का पैसा लेकर भागने वाला फ्रूट माफिया गिरफ्तार। 3 साल से फरार था, उसे आखिर विक्रमगढ़ पुलिस पकड़ने में हो गई कामयाब। कल्याण में फ्रूट लक्ष्मी मार्केट जाकर पुलिस ने मारा छापा। उसी वक्त आरोपी जाकिर खान उसी की दुकान में मिल गया। पुलिस निरीक्षक प्रदीप गीते और उप निरीक्षक सतीश जगताप, पुलिस कर्मचारी सावन चौधरी, पाटिल भोए और भोसले, इन सभी पुलिस कर्मचारियों की सफलता पूर्वक कड़ी मेहनत से आरोपी को पकड़ा गया। उस पर 420/34 धारा लगाई गई। नाइम बेग, पालघर डिस्ट्रिक्ट, सीनियर क्राइम रिपोर्टर की रिपोर्ट। एक शेतकरी आहे, त्यांची फसवणूक झालेली आहे, तर त्यांना विचारू सर, तुमची फसवणूक कशा प्रकारे झाली? माझे नाव पुंडलिक रामचंद्र गरज असे आहे, मी राहणार सदनगावचा आहे। 3 वर्षापूर्वी मी सामान्य कुटुंबातील शेतकरी आहे, गरीब कुटुंबातील। 3 वर्षापूर्वी आमची आंबेच आमच्या वाडीतले आंबे 2019 जाकीर खान यांनी पलून नेले। 53,000 चोरी होती। तर आम्हाला विक्रमगड पोलीस स्टेशनचे इथे साहेब श्री जगताप साहेब आणि विक्रमगड पोलीस स्टेशनचा स्टाफ वर्ग यांनी परिश्रम घेऊन चोराला पकडले आणि आमची रक्कम वसूल करून दिली, त्याबद्दल आम्ही त्यांचे मनापासून आभार मानतो। त्याबद्दल आम्ही विक्रमगड पोलीस स्टेशनचे पूर्ण शेतकरी वर्गाकडून मनापासून आभार मानित आहोत।